अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे देश भर में किए जा रहे 1 करोड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिले में 10,000 वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है। उसी नियमित लगातार दूसरे दिन गिरिडीह कॉलेज इकाई द्वारा कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज के निर्देशानुसार में आज ABVP गिरिडीह कॉलेज उपाध्यक्ष आशुतोष मोदी के नेतृत्व में गिरिडीह कॉलेज बोटनी विभाग के विभाग अध्यक्ष सुबेल सिंह चंद्रा सर के हाथों नींबू का पौधा कॉलेज कैंपस में लगाकर पर्यावरण को संरक्षण देने का संकल्प लिया। इस दौरान बोटनी विभाग अध्यक्ष सुबेल सिंह चंद्र ने कहा कि ABVP का यह पहल काफी सराहनीय है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को भी इस पुण्य कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में परिस्थितियों को झेलने में सफल हो। तथा उन्होंने सभी से अपने अपने बर्थडे पे एक एक पौधा लगाने का आग्रह किया। यह कार्यक्रम 25 जुलाई तक चलेगा, जिसमें कॉलेज कैंपस में 100 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। इधर गिरिडीह कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज ने कहा कि हम सभी छात्र छात्राओं को भी इस अभियान में लगने का अनुरोध करेंगे, ताकि अभियान को सफल बनाया जा सके। मौके पर अभियान में मुख्य रूप से कई छात्र मौजूद थे। महत्व है, यही वृक्ष है जो हमें प्राण वायु देता है, इसलिए हमें सब हम जितने भी हैं, चाहे विद्यार्थी हो चाहे और भी कोई हो, एक एक वृक्ष हर साल लगाना चाहिए, ताकि जो हम ऑक्सीजन हमको जो मिल रहे हो प्राप्त हो। आपने देखा कि कोरोना काल में क्या स्थिति हुई, उसी ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने सिलेंडर का प्रयोग किया, लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये सिलेंडर के प्रयोग के बजाय अगर हम एक एक वृक्ष लगाते जाए और तो कितना वृक्ष लग जाएगा। लोग बर्थडे पर केक काटते हैं, कुछ करते हैं, मेरा कहना है कि बर्थडे पर एक एक अपने बर्थडे पर या जो बर्थडे मना रहे हैं सिर्फ एक पेड़ हर बर्थडे पर लगा दीजिए, देखिए कितना हरा भरा रहेगा। वृक्ष है तो सब कुछ है, वृक्ष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यह पानी देता है या आपको प्राणवायु देता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी हो, जो भी है देख रहे हैं चाहे जो भी सुन रहे हैं, इस साल में एक वृक्ष जरूर लगाएं।